केस की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। ड्रग एंगल की जांच नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी कर रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस प्रवर्तन निदेशालय के पास है। अभी तक इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। आज दोपहर को रिया चक्रवर्ती इस मामले में गिरफ्तार हुई हैं और अब इन सब के बीच में रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी की पड़ताल में कई नई जानकारियों का खुलासा हुआ है। एक तरफ रिया चक्रवर्ती को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं सुशांत के परिवार के सदस्यों ने इस पूरे मामले को हत्या करार कर दी है। लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सीबीआई को जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इस मामले पर हत्या का शक हो। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है सीबीआई को शुरुआती जांच में सुशांत के मर्डर का कोई सबूत नहीं मिला, हालांकि जांच एजेंसी अभी भी कई एंगल से जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है सुशांत सिंह राजपूत बीते 7-8 महीनों से बहुत ज्यादा ड्रग्स लेने करते थे। वो 20 से 25 बड्स तक लिया करते थे, इतना डोज बहुत बड़े ड्रग्स एडिक्ट ही लेते हैं। मार्च 2020 में रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की चैट से खुलासा हुआ है जिसमें शौविक ने बताया हम 5 ग्राम बर्ड्स ला सकते हैं। सुशांत के परिवार ने पहले डिप्रेशन की बात नकारी थी लेकिन उसके बाद सुशांत की बहन प्रियंका के कुछ चैट्स वायरल हुए जिनसे मालूम पड़ता है कि उनकी बहन प्रियंका सीधे तौर पर जानती थी कि सुशांत यहाँ ड्रग्स ले रहे हैं। आपको बता दें रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर वकील का बड़ा बयान सामने आ गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम ने ड्रग्स मामले में 3 दिन की पूछताछ के बाद आज रिया को गिरफ्तार किया है। रिया की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कानून का मखौल हो रहा है, 3 केंद्रीय एजेंसियां एक अकेली महिला के पीछे पड़ी हैं क्योंकि उन्होंने एक ड्रग एडिक्ट से प्यार किया जो कि बीते कई सालों से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रहा था और गैर कानूनी दवाओं एवं ड्रग्स की वजह से उसने अपनी जान दे दी। वहीं इस मामले पर एनसीबी का कहना है रिया ने माना है कुछ मौकों पर उसने भी ड्रग्स लिया, उन्होंने अपने भाई शौविक और सुशांत के साथ ड्रग्स लिया। एनसीबी ने बताया रिया चक्रवर्ती ने गांजे की बर्ड्स सिगरेट के साथ पी, वो किसी ड्रग पैडलर के सीधे टच में नहीं थी लेकिन लॉकडाउन के बाद जब ड्रग्स मिलना बंद हो गया तब रिया ने शौविक से कहकर ड्रग्स मंगाए थे। रिया ने बताया सुशांत बहुत पहले से ड्रग्स लेता रहा है और सुशांत के कहने पर उसी के लिए ड्रग्स मंगाया गया। जब रिया और रिया के भाई को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई तो रिया चक्रवर्ती एनसीपी अधिकारियों के सामने रोने लगी। ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी का कहना है रिया के घर से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले उनसे भी ड्रग्स से जुड़े कुछ सबूत मिल चुके हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।